चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज शाम कौम से अहम खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के कौम से खिताब में रूस और यूक्रेन तनाज़े पर गुफ्तगू। लाहौर कलंदर्स पहली बार PSL का चैंपियन बन गया। लाहौर कलंदर्स ने शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल भी जीत लिए। साबिक स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने टीम के लिए खुसूसी पैगाम जारी किया। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा ने पोलैंड यूक्रेन सरहद के 8 चेक पोस्ट अबूर किए। रूस के यूक्रेन पर हमलों के बाद यूक्रेन में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा का इनखला जारी। फजल रहमान और शहबाज शरीफ में राबता, हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर इत्तेफाक। मनी लॉन्ड्रिंग के शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 10 मार्च तक मौखर। फवाद चौधरी ने कहा शरीफ जरदारी फैमिली को पता है, अदालत से भागने में आफियत है। पाक भारत आबी तनाज़ा मुज़ाकरात कल होंगे। मुज़ाकरात के लिए 10 रुकनी भारतीय आबी माहरीन का वक्त लाहौर पहुंच गया। ज़रा के मुताबिक भारतीय आबी मंसूबों पर एतराज़ात के बाद ये पहला इजलास होगा। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस के हवाले से गुफ्तगू की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि मेरे वालदैन गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए, मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ। हमेशा से ख्वाहिश थी कि मुल्क की खारजा पॉलिसी आज़ाद हो। 9/11 हमलों में कोई पाकिस्तानी मुलविस नहीं था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ देना गलत था। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमेशा कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ देना दुरुस्त नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। हमें इस जंग में $150 अरब का नुकसान हुआ। सबका जमहूरी हुकूमतों में 400 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। साबका हुकूमतों ने ड्रोन हमलों पर एहतजाज तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाए। अमेरिका की जंग में हिस्सा लिया तो शुरू दिन से मुखालफत की। 9/11 के बाद दोबारा जंग में शिरकत की गई, इस पॉलिसी के शुरू से खिलाफ था। बदकिस्मती से इस फॉरेन पॉलिसी से 80,000 पाकिस्तानियों की शहादतें हुई। कबायली इलाका तबाह हुआ, 45,00,000 पाकिस्तानियों ने नकल मकानी की। मुशर्रफ दौर में सिर्फ 10 ड्रोन हमले हुए। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के 10 साल अदवार में 400 ड्रोन हमले हुए। आज़ाद फॉरन पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी कि हमें अमेरिका को बमबारी पर एहतजाज करना चाहिए था। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ ने ड्रोन हमलों के खिलाफ एक बयान तक नहीं दिया था। जरदारी ने अमरीकियों को कहा ड्रोन हमलों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने कहा जब मुल्क के सरबराहान के बैरून मुल्क अरबों डॉलर होंगे तो कभी अपने मुल्क की बेहतरी का नहीं सोचते। कौम जब वोट डाले तो कभी इस पार्टी को वोट ना दे जिनके बैरून मुल्क पैसे जायदादें हैं। सरबराहों के पैसे और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी होती है। जब उनके अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं वो कभी
उस मुल्क की बेहतरी के लिए फायदा नहीं करते, वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हैं। वजीर आजम ने अपने खिताब में मजीद कहा कि चीन और रूस का दौरा कर चुका हूँ, दुनिया में सूरत हाल तेजी से बदल रही है, दुनिया की बदलती सूरत हाल का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है। चीन रूस का बड़ा अहम दौरा किया, मुल्क को इज्जत मिली, आने वाले वक्त में बड़े अच्छे नतीजे आएंगे। रूस से 20 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करनी है, रूस से गैस भी इम्पोर्ट करेंगे। चीन के साथ सीपैक के दूसरे फेज में अहम मुहिदे हुए। पाकिस्तान सुपर लीग को नया चैंपियन मिल गया। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर लाहौर कलंदर्स ने पहली बार टाइटल अपने नाम कर लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर के तारीखी मैदान कजाफी स्टेडियम में रिकॉर्ड तमाशाइयों की मौजूदगी में शाहीन 11 ने फतह के झंडे गाड़ते हुए न सिर्फ पहली बार फतेह होने का एहसास हासिल किया बल्कि शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल भी जीत लिए। ताकतवर बॉलिंग अटैक ने सुल्तान्स की बैटिंग लाइन तबाह कर डाली और 181 रन के जवाब में पूरी टीम 138 रन ही बना सकी। शाहीन शाह आफरीदी ने उसी ओवर में डेविड वैले को आउट करके मैच में लाहौर कलंदर्स की गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी। हारिस रऊफ ने भी अगले ही ओवर में खुशदिल शाह को बोल्ड कर दिया। कप्तान आफरीदी ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 ओवर्स के कोटे पर 30 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। वो इवेंट में 20 विकेट्स के साथ सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर भी करार पाए। मोहम्मद हफीज और जमान खान ने 2-2 जबकि डेविड पिजे और हारिस रऊफ ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पैगाम में शुएब अख्तर ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कलंदर्स ने PSL 7 जीत लिया है। इस टीम ने 7 साल तक खूब मेहनत की और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल गई। यूक्रेन में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा ज़मीनी रास्ते से पोलैंड में दाखिल हो रहे हैं। कल शाम तक तमाम पाकिस्तानी तलबा पोलैंड पहुंच जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस के यूक्रेन पर हमलों के बाद यूक्रेन में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा का इनखला जारी है। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा ने पोलैंड यूक्रेन सरहद के 8 चेक पॉइंट अबूर किए। पोलिश सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी तलबा को सिफारत खाने की बसों में वारसा होटल पहुंचा दिया गया है। यूक्रेन से ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा ज़मीनी रास्ते से पोलैंड में दाखिल हो रहे हैं। कल शाम तक तमाम पाकिस्तानी तलबा पोलैंड पहुंच जाएंगे। ख्याल रहे कि यूक्रेन में रूसी हमले के बाद रूसी फौज की कार्रवाइयाँ जारी हैं। कीव और खारकीव में कई घंटों के सुकून के बाद फिर से धमाके सुने गए। बरतानवी मीडिया का कहना है कि यूक्रेनी फिजाइया रूसी फौज के काफिलों पर ड्रोन हमले कर रही है जिससे नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें उन्होंने अदम एतमाद के हवाले से कानूनी और आईनी मामलात पर राय लेने पर इत्तेफाक किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें उन्होंने अदम एतमाद के हवाले से कानूनी और आईनी मामलात पर राय लेने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर मशावरत की जबकि अदम एतमाद के हवाले से कानूनी और आईनी मामलात पर भी राय लेने पर इत्तेफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को BNP मैंगल के सरबरा अख्तर मैंगल से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुलजिमान ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। मुलजिमान के वकला ने इस्तदा की कि अदालत में वकला की हड़ताल है, आज दलाइल नहीं दे सकते। हमजा शहबाज की जानिब से सेनेटर आजिम नज़ीर तारर ने वकालतनामा जमा करवा दिया। वजीर इत्तला फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि हकीकत यह है कि शरीफ और जरदारी फैमिली दोनों को पता है अदालत से भागने में ही आफियत है। पाकिस्तान और भारत के माबेन आबी तनाज़े पर मुज़ाकरात कल वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में होंगे। 10 रुकनी भारतीय वफ्द आज लाहौर पहुंच गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात कल वफाकी इस्लामाबाद में होंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंडस वाटर कमीशन के कमिश्नर महर अली शाह करेंगे जबकि भारतीय वफ्द की क़यादत PK सक्सेना करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से भारतीय आबी मंसूबों पर एतराज़ात के बाद ये पहला इजलास होगा। इस हवाले से कमिश्नर इंडस वाटर कमीशन महर अली शाह ने बताया कि पाकिस्तान को दरियाए चनाब पर कैरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिज़ाइन पर एतराज़ है। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में दरियाए पूंछ पर
मांडी प्रोजेक्ट पर भी एतराज है। कमिश्नर इंडस वाटर कमीशन ने मजीद बताया कि मुजाकरात में 25 मेगावाट के हेंडोरमान दरियाए सिंध पर सांको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 19 मेगावाट के मैकेनिज्म सांगरा पर भी एतराजात उठाए जाएंगे। इंडस वाटर कमिश्नर के मुताबिक भारतीय वफ मुजाकराती इजलास के बाद 4 मार्च को वापस भारत रवाना हो जाएगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। खान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मुखलिफ किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान।